हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम 11 स्टैंडर्ड सीबीएसई। और टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइट्स। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स, टेरिडोफाइट्स के टाइप, उनके सिग्निफिकेंस और उनकी लाइफ साइकिल, ये सब चीज़ें देखेंगे। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द नीट प्रिपरेशन। सो लेट्स टॉक वन बाय वन। सो एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ वाइज टेरिडोफाइट दिया हुआ है उसको मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आपको ये पॉइंट नोट डाउन करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसको पूरा को पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वन बाय वन पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। एज यू नो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन, अल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। सो उसमें से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम है, लेकिन टेरिडोफाइट्स भी वो प्लांट है जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं। वी नो दैट जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू टॉप, एंड फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड फ्रॉम लीफ, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज वेल एज सम टाइम फ्रॉम बॉटम टू टॉप व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ फूड मटेरियल। तो ये टेरिडोफाइट्स वो पहले प्लांट है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए गए थे। और जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना रूट से टॉप तक, और फूड को फ्लोएम कंडक्ट करता है, फूड और वाटर को फ्लोएम कंडक्ट करता है टॉप से बॉटम तक और बॉटम से टॉप तक भी। मैंने दोनों लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाऊंगा। सेकंड, द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। टेरिडोफाइट्स, इनको अपना गैमेट ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, इसके लिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स आर रिक्वायरिंग देयर गैमेट्स टू ट्रांसफर बिटवीन द मेल एंड फीमेल, एंड देयरफॉर दे आर रिक्वायरिंग वाटर टू डू दिस, देयरफॉर दे आर जनरली फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। टेरिडोफाइट प्लांट बॉडी, थर्ड कैरेक्टर, टेरिडोफाइट प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट विच हैव टू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। टेरिडोफाइट वो कैटेगरी के प्लांट आते हैं जिनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हमें क्लियरली दिखते हैं। दिस ऑर्गन पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर सिस्टम। अब प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके अंदर आपको जाइलम एंड फ्लोएम क्लियरली डिफरेंशिएट दिखेंगे। सिर्फ एक चीज की कमी होती है टेरिडोफाइट्स में, वो होते हैं टेरिडोफाइट्स नेवर शो सेकेंडरी ग्रोथ, बींग कंटेनिंग जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्सो। Even though they are containing xylem phloem, they are not undergoing secondary growth because they don't have a cambium, or we can call vascular cambium. तो इनके अंदर cambium ring न होने के कारण ये secondary growth नहीं दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर vascular tissue होते हैं। Fifth character, leaves in pteridophytes are small in Coelaginella or large in ferns. तो जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स में भी काफी एग्जांपल्स होते हैं। टेरिडोफाइट के जनरली चार क्लास होते हैं, यहाँ पे देखिए चार क्लासेस हैं। तो वैसे टेरिडोफाइट्स के अंदर एग्जांपल्स भी काफी ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 10,500 के आसपास तो टेरिडोफाइट्स में एग्जांपल्स आते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल हो सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में, सिलाजेनेला प्लांट में, और ये लार्ज हो सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में, फर्न्स में। So leaves in fern they are large, but leaves are small in Coelaginella. Why I am giving you more this, why I am creating a issue on that, just because जब आप नीट एग्जाम देने जाओ तो नीट एग्जाम में अगर आपको ये पूछा जाता है what is the difference between Coelaginella and fern, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, both are pteridophytes, no, both are pteridophytes, but आपको separate difference ढूंढना है तो क्या होगा, Coelaginella leaf are small but fern leaf are large. Sixth character, स्पोरोफाइट हैव अ लीफ लाइक अपेंडेजेस। स्पोरोफाइट मतलब प्लांट, यस आप समझ लो स्पोरोफाइट का मतलब होता है प्लांट। तो टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर लीफ के जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं और उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोफिल। फिर से समझ लीजिए, टेरिडोफाइट्स आर हैविंग अ लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक ऑर्गन्स, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफिल। टेरिडोफाइट के अंदर लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल, विच फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाय और कॉन। ये लीफ के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रोबिलाय और कॉन जैसे नए स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं, ये Coelaginella में पाए जाते हैं, इक्विसिटम में भी पाए जाते हैं। द गैमेटोफाइट हैव एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम।
वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ अ मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड टू द फीमेल गैमेट्स एंथ्रीडिया फ्यूजेस रिजल्ट इन टू जाइगोट. पूरा का पूरा टॉपिक ये सिक्स नंबर का जो है वो समझ लीजिए. जनरली टेरिडोफाइट के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं. उनको हम कहते हैं स्ट्रोबेलाय या तो कॉन. और ये किस में पाए जाते हैं? सिलेजेनला और इक्विसिटम में. दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ टू टाइप ऑफ अ सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड एज देयर गैमेट एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम विच प्रोड्यूस एज एग. मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम. मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम प्रोड्यूस एग एज देयर गैमेट एंड आफ्टर फ्यूजन ऑफ देयर मेल एंड फीमेल गैमेट टर्न इन टू फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन टर्न इन टू द जाइगोट. और हमें पता है जाइगोट से नया प्लांट बनता है. न्यू स्पोरोफाइट विल प्रोड्यूस फ्रॉम जाइगोट. नेक्स्ट टेरिडोफाइट इंक्लूड्स हॉर्सटेल फर्न्स. टेरिडोफाइट कैन बी यूज एज अ मेडिसिनल कैन बी यूज एज अ सॉइल बाइंडर कैन बी यूज एज अ ऑर्नामेंटल. टेरिडोफाइट्स में कुछ प्लांट ऐसे जो मेडिसिनल भी मेडिसिन भी बनती है कई टेरिडोफाइट प्लांट में से. कुछ प्लांट ऐसे जो सॉइल को बाउंड करने में काफ़ी मदद करते हैं और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव पर्पस में भी यूज होते हैं. इन मेजोरिटी ऑफ अ टेरिडोफाइट्स ऑल आर ऑल स्पोर्स आर सिमिलर इन काइंड. मतलब मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं मतलब एक जैसी सेम साइज में होते हैं. उनको हम कहते हैं होमोस्पोरस. लाइक अ मेल मीन्स मेनी स्पोर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन साइज एंड शेप. Therefore, they are called homosporous. But there are certain plant. देखो यहाँ पे दिया हुआ है. In majority of pteridophyte, all spores are similar kind. They are called as a homosporous. And genera like Selaginella and Selvinia, which produces two different type of spore, they are called heterosporous. One is a large macrospore, second one is a small microspore. फिर से समझ लीजिए एक बार. Maximum pteridophyte ऐसे होते हैं जिनके अंदर spore एक जैसे ही होते हैं. तो उनको हम कहते हैं होमोस्पोरस. होमो सेम स्पोर मीन स्पोर. होमोस्पोरस सिमिलर स्पोर. लेकिन कुछ जेनेरा ऐसे भी हैं जैसे सिलाजेनेला है सेल्विनिया है उनके अंदर हेटेरोस्पोर होते हैं. हेटेरो मतलब डिफरेंट. स्पोर मतलब स्पोर. हेटेरोस्पोर्स मतलब डिफरेंट. कुछ लार्ज होंगे मैक्रोस्पोर कुछ छोटे होंगे स्मॉल माइक्रोस्पोर. सो मैक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर टुगेदर इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर हेटेरोस्पोर. लेकिन जब स्पोर एक जितने ही होते हैं सब आइडेंटिकल साइज एंड शेप में तो उनको हम कहते हैं होमोस्पोर्स. नेक्स्ट वन डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट इन टू एम्ब्रियो प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट. मतलब उनके अंदर जो जाइगोट है जाइगोट में से बाद में एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद हमें पता है डायरेक्टली नया प्लांट बनता है. टेरिडोफाइट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इन टू द फोर मेन क्लासेज. यू कैन सी द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू फोर क्लासेज. एग्जाम्पल सिलोप्सिडा सिलोटम ल्यूकोप्सिडा सिलाजेनला ल्यूकोपोडियम एंड स्पिनोप्सिडा इक्विसिटम एंड टेरिडोप्सिडा ड्रायोप्टेरस टेरिस एंड एडियंटम. तो ये उनके अलग अलग क्लास हैं और उन क्लास के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं. मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ. सो दिस इज टेरिडोफाइट. यू कैन सी द लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज स्ट्रोबेलाय और कोन. सो दिस इज टेरिडोफाइट फर्न्स कॉन और स्ट्रोबेलाय. आप देख रहे हो यहाँ पे ये कॉन है इसे हम स्ट्रोबेलाय भी कह सकते हैं. इन टेरिडोफाइट्स इक्विसिटियम सिलाजेनेला ऑस्मोंडा ल्यूकोपोडियम एंड दीज आर सम एग्जांपल्स. सो दिस टॉपिक वाज अबाउट द टेरिडोफाइट्स इन डिटेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.